नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेंगे, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर से। शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा है। शिव कुमार शर्मा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के एक भारतीय संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। संतूर वाद्य यंत्र जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है वो 943 है, लेकिन ऑप्शन में 940 दिया है, तो यही नियरेस्ट है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 80 के नाम से भी जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की गति 180 किलोमीटर पर आवर है। यह भारत की पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया पहल के तहत चेन्नई के पेरम्बूर में सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा खाली स्थान से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी। सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी, तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रारंभ में प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया जाता था, और 1 अप्रैल 2002 से खाद्यान्न बढ़ाकर प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष खाली स्थान तक चलता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सैम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, या निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असीतासम यानी बेसाल्ट। सैम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह असीतासम या बेसाल्ट में हो सकता है। बेसाल्ट बारीक कणों वाली बाह्य अग्नेय शैल है, जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्दार के समय हुआ था। अग्नेय शैल का निर्माण मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन, जो 1265 से 1287 ईस्वी तक राज किया था, ने खाली स्थान की उपाधि धारण की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिल्ले ए इलाही यानी भगवान की छाया उपाधि धारण किया। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियाबत एक खुदाई और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन के राजतर्क सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी एवं फारसी परंपरा सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पैबोस सुल्तान का चरण चूमना परंपरा चलाया था। बलबन ने ईरानी त्यौहार नवरोज, जो फारसी साल का पहला दिन होता है, अपने दरबार में प्रारंभ करवाया था, और बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर और जाति का श्रेष्ठता यानी वंश के लिए लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। नेक्स्ट है, व्यवगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यवगत के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत सतारा को मिलाया गया था। किसे? सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था 1848 में। जैतपुर को मिलाया गया था 1849
उनचास ईस्वी में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और 1855 में करौली का विलय ब्रिटिश भारत क्षेत्र में कर दिया गया था। 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया गया था। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक चला था और डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में किया गया था, मुंबई से थाने तक किया गया था। नेक्स्ट है, 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और खालिस्तान के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा दिलीप सिंह। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 तक चला था, जिसमें सिख पराजित हुए, जिसके कारण सिख महाराज दिलीप सिंह लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हुए। लाहौर संधि के तहत दिलीप सिंह ने सतलुज पार अपने सभी किलों को अंग्रेजों को दे दिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। लूनी नदी जो है 320 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ के रण में जो है वो लुप्त हो जाती है। अगला है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीताराम येचुरी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा से। ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य है, जिसका प्राचीनतम उदाहरण उड़ीसा की उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी से मिलती है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन है। किस राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में दो सदन है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है। वे राज्य कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। कितने हैं, तो 11 है। मई 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य देता है। अब भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो शिक्षा से संबंधित था। पहले जो था 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला है, वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब किसकी ओर जाता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुव से अनंत, आभासी और सीधा। वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब ध्रुव से अनंत की ओर जाता है, और प्रतिबिंब की आकृति जो है आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और आकार में बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि आवर्धन जो होता है वो m ग्रेटर ग्रेटर देन माइनस 1 होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा कैसी होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 60 के आवर्तन वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को प्रोजेक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इससे प्रोजेक्टेड प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो आवर्धन क्षमता m बराबर जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, माइनस वी, सॉरी m बराबर जो होता है v बाई यू होता है,
और एम दिया हुआ है कितना 60 बराबर भी हो जाएगा भी बटा माइनस 10, तो भी बराबर हो जाएगा माइनस 60 गुना माइनस 10 बराबर 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो ए हो जाएगा। कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं खाली स्थान के रूप में जाने जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतृप्त यौगिक। क्या है संतृप्त यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ नाम देखते हैं तो यहाँ पर CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 जो है ब्यूटेन। नेक्स्ट है मेंडलिफ की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजनों की तरह हाइड्रोजन भी खाली स्थान के रूप में मौजूद होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विपरमाणविक अणु। मेंडलिफ की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजनों की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है। अगला है ऐहोल खाली स्थान की राजधानी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालुक्यों को। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। बातापी या बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह को माना जाता है। बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, जिसकी राजधानी बातापी यानी बीजापुर कर्नाटक के निकट था। ऐहोल आधुनिक कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव हर वर्ष 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव 1989 में शुरू किया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पूरे देश के कलाकार भाग लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है को फरवरी 2022 में निधन हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। लता मंगेशकर को 2001 में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया था, और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की, उस महिला का नाम क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मातंगिनी हाजरा। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क को पहली प्रतिमा स्थापित की, उस महिला का नाम मातंगिनी हाजरा था। मातंगिनी हाजरा ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन में भाग ली थी। गांधी जी के सविनय अवज्ञा असहयोग में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब नदी पर। क्या है चिनाब नदी पर बनाया गया था। भारत में प्रथम पनबिजली ऊर्जा केंद्र जो है 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ किया गया था, और वास्तविक रूप से 1902 में भारत में शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष खाली स्थान में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में क्या रखा गया था, चरखा रखा गया था। तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगली बैंक यानी 1921 में किया था, और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा में चरखा के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया गया। अब भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, और झंडा पर तथर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा का। पट चित्रकला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में पारंपरिक कपड़ा पर आधारित चित्रकला है। उड़ीसा में पट चित्रकला की परंपरा भगवान जगन्नाथ की पूजा से निकटता से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने खोज पूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2002। वर्ष 2002 में भारत ने खोज पूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। 1982 में समुद्र
विनियमन पर यूएनए सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत 1994 में आईएसए की स्थापना हुआ। 1948 में जिनेवा सम्मेलन के परिणाम 17 मार्च 1958 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना किया गया, और आईएमओ का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया साहित्य अकादमी का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी में शुरू किया गया। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भागीरथी और भिलंकना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई अगर बात किया जाए तो 261 मीटर है, और लंबाई जो है वो कितना है 575 मीटर है, और ये ऊंचाई कितना 261 मीटर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अब भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है, और भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के महानदी में स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, आंसर हो जाएगा ए, शिल्पादिकरम। क्या है, शिल्पादिकरम प्राचीन भारत में इलंगो अडिगल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। शिल्पादिकारम की रचना संगम काल में की गई थी। शिल्पादिकारम के लेखक इलंगो अडिगल चेर वंश के राजा सेनगोट्टवन का भाई था। शिल्पादिकरम साहित्य पुहार यानी कावेरी पट्टनम के कोबलन तथा कोबलन की पत्नी कण्णगी पर आधारित है। नेक्स्ट है, उस शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राचार्य संस्थानों को प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1835 ईस्वी में पारित किया गया। शिक्षा अधिनियम 1835 लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर आधारित थी। नेक्स्ट है, दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत खाली स्थान से हुई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत नेपाल से हुई है। दशहरा या दशहरी नेपाल के हिंदुओं का एक बड़े त्यौहारों में से एक है। दशहरा एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। दशहरा त्यौहार के को विजयादशमी के रूप में भी मनाते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान के अनुसार सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। नेक्स्ट है, घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है, घोड़े मोड़नी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा के। घोड़े मोड़नी नृत्य का नाम घोड़े मोड़नी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें घोड़े की तरह हरकत होती है। घोड़े मोड़नी नृत्य गोवा में पुर्तगालियों पर मराठा शासकों की जीत की याद में किया जाता है। घोड़े मोड़नी नृत्य में घोड़े का शाब्दिक अर्थ घोड़ा होता है, जबकि मोड़नी का अर्थ है खुश होता है। गोवा में फसल के मौसम के दौरान सिग्मो उत्सव के दौरान घोड़े मोड़नी लोक नृत्य एक प्रमुख आकर्षण है, और घोड़े मोड़नी नृत्य में नर्तक लकड़ी के घोड़े का उपयोग सहारा के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का उपयोग समानता किसमें नहीं किया जाता है, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विसंक्रामक के रूप में। बेकिंग सोडा का उपयोग विसंक्रामक में नहीं किया जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो कितना होता है, NaSCO3 होता है। क्या होता है, NaSCO3 होता है। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दालें। दालें वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सोयाबीन है। प्रोटीन कोशिका का एक संरचनात्मक घटक है। गेहूं में ग्लाइडिन और ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एड्रेनल हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुपिका या एल्वियोली में। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कुपिका या एल्वियोली में होता है। मनुष्य एवं जंतुओं में श्वसन नली जो गले से फेफड़े को जोड़ती है ट्रेकिया कहलाता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा खाली स्थान बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है।
अवायवीय श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में तब होता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। यह ग्लूकोज के टूटने से ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला है कटी बिहू, असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह खाली स्थान के महीने में मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर में। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। असम राज्य में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला बुहांग या रोंगाली बिहू मध्य अप्रैल बैसाख में मनाया जाता है। कटी या कांगोली बिहू मध्य अक्टूबर कार्तिक में मनाया जाता है। और तीसरा माघ या मोगाली बिहू मध्य जनवरी के में मनाया जाता है, माघ में। बुहाग बिहू असमिया नववर्ष व बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कटी बिहू खेती में खड़ी धान की फसल की सुरक्षा की कामना के लिए मनाया जाता है। और भोगली बिहू अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस समय तक फसल कट चुकी होती है और कृषकों के पास अनाज के कोठार जो है भरे होते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYB बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब किया गया था, 1963 में किया गया था। राष्ट्रीय बीज निगम प्रति वर्ष 1.5 लाख टन बीज का उत्पादन करता है। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई खाली स्थान और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91 मीटर और 120 मीटर के जो बीच होनी चाहिए फुटबॉल की। फुटबॉल पिच की लंबाई 45 से 91 मीटर और चौड़ाई जो है वो 45 से 91 के बीच होना चाहिए और लंबाई जो है वो 91 से 120 मीटर होती है। फुटबॉल गेंद का वजन जो होता है वो कितना होता है, 396 से 453 ग्राम के बीच होना चाहिए। कितना, 396 से 453 ग्राम। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया। आंसर हो जाएगा ए रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक शाही विधान परिषद से त्यागपत्र रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए दिया था। भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों के प्रभाव को समाप्त करने या कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कपिलवस्तु के शाक्य तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बसाड़ यानी बैसाठ है। नेक्स्ट प्रश्न है वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्वारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्वारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जब कभी प्रसुप्त ज्वालामुखी में अनायास विस्फोट होता है तो अपार धन जन की हानि होती है। इटली का विसुवियस एवं जापान का फ्यूजियामा इसी प्रकार के ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में खाली स्थान शामिल होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ जो है कितना, तो यह है 1 लाख रुपये। एक ताम्रपत्र एक अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपये दिए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में। नेक्स्ट है 1976 में स्थापित खाली स्थान के अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा डी स्वर्ण सिंह समिति के। 1976 में स्थापित स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद कितना 51A को भी जोड़ा गया था। 51A में 10 मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। अगला है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है। पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन अवस्थित है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या के धाम दर्शन हेतु रामलला दर्शन योजना शुरू किया है।
तीर्थ यात्रा का मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। भारत बांग्लादेश संबंधों की शुरुआत जो है के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भी मनाया जाता है। तापी पाइपलाइन तुर्कमिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा इंडिया के बीच के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ईरान तथा पाकिस्तान के बीच जो है पीस पाइपलाइन अवस्थित है। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ RPF SI कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।